নানান অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে আজ বানারহাটের ঐতিহ্যবাহী শীতলা মন্দির প্রাঙ্গণে নব বিগ্রহ স্থাপন সহ শিব মন্দির ও রাধা গোবিন্দ মন্দিরের উদ্বোধন হল। এই উপলক্ষে সকাল থেকেই ছিল এলাকায় উৎসবের আমেজ। সকালে কলসযাত্রার মধ্যে দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। মহিলারা কলস নিয়ে 8 কিলোমিটার দূরে ডায়না নদীতে গিয়ে জল ভরে শিবলিঙ্গে ঢালেন। দুপুরে মন্দির উদ্বোধন ও বিগ্রহ স্থাপনকে ঘিরে স্থানীয় ধর্মপ্রাণ মানুষদের উৎসাহ ছিল চোখে পড়ার মতো। আয়োজকরা জানান, বানারহাট শীতলা মন্দিরটি ডুয়ার্সের সবচেয়ে বড় এবং প্রাচীন শীতলা মন্দির। প্রতি বছর শীতলা পুজোয় গোটা উত্তরবঙ্গ থেকে মানুষ এখানে আসেন পুজো দিতে। এবছর শিব মন্দির ও রাধা গোবিন্দ মন্দিরের উদ্বোধন হওয়ায় এর গুরুত্ব আরও অনেকটাই বেড়ে গেল। বানারহাট আদর্শপল্লী শীতলাবাড়ি উন্নয়ন কমিটি সিদ্ধান্ত নেই 2 বছর আগে আমরা এই মন্দির স্থাপন করব এখানে। তো যথাক্রমে আমরা 2টো মন্দির অলরেডি স্থাপন করছি, সেখানে রাধাকৃষ্ণ মন্দির এবং শিব মন্দির। তো যাতে এতে বানারহাটের আপামর জনসাধারণ যথেষ্ট পরিমাণে আর্থিক দিক থেকে হেল্প করেছে এবং আজকে সারাদিন এই মন্দির উদ্বোধনের জন্য বানারহাটের আপামর জনসাধারণ যেভাবে কলসযাত্রায় পদযাত্রায় অংশগ্রহণ করেছে সেটা দেখার মতো এবং দেখনীয় বিষয় ছিল আজকে। তাছাড়া আমাদের যেটা আরও কর্মসূচি আছে তার মধ্যে হচ্ছে পূজাপাঠ, যাগযজ্ঞ চলবে সন্ধ্যে অবধি এবং রাধাকৃষ্ণ মন্দির রাধাকৃষ্ণর ভোগ হবে এবং কীর্তন হবে। আজকে সারাদিন আমাদের এইরকমভাবে প্রোগ্রাম রয়েছে, প্রোগ্রাম আছে। দেখিয়ে কার্যক্রম এসা হি শীতলা মন্দির মেয়ে ইতিহাস বারে বা রা হুম আপনি। মন্দির 64 সাল পুরানা হ্যাঁ
और 64 साल अभी 65 साल में हम लोग कदम रख रहे हैं। और मंदिर में हम लोग बहुत साल से सोच रहे थे कि इस मंदिर में शिवलिंग का स्थापना हो और कृष्ण राधे का एक मूर्ति बने, लेकिन बहुत देर से हम लोग प्रयास बहुत काफ़ी दिन से हम लोग प्रयास रहते हैं, लेकिन बानाहाट के बहुत सारे व्यवसायी वर्ग के लोग हैं, बहुत सारे सोशल वर्क है जिन लोगों ने आज हम लोग ऐसा मतलब इतनी आर्थिक स्थिति से सहायता पहुँचाया है और शारीरिक रूप से सबको हम लोग धन्यवाद ज्ञापन करते हैं यहाँ से। आज हम लोगों ने कृष्ण राधे का मूर्ति का और शिवलिंग का हम लोगों ने ओपनिंग किया, जो प्रातः स्थापना किया। आज प्रातः हम लोग सुबह प्रभात फेरी जो कि कलश यात्रा के माध्यम से बगल में एक नदी पड़ती है यहाँ पे 8 किलोमीटर के रेंज में दायना नदी, वहाँ पे जो शास्त्र के अनुसार जो नियम होता है कि नदी से जल लाकर अभिसिंचन करके उसके बाद हम लोगों ने पूरा कलश यात्रा करके फिर भगवान जी को नहला के हम लोगों ने मूर्ति का स्थापना किया। और आज परिस्थिति ऐसी आन पड़ी है कि देखिए कितना सुंदर एक हम लोग का एक मिलन मेला की तरह हो गया है। जिस तरीके से दुर्गा पूजा होता है सब होता है, एक मिलन मेला होता है, इसी तरीके से इस मंदिर में 64 साल से, हालांकि हमको तो नहीं लगता कि भारतवर्ष में किसी भी मंदिर में धर्म और भेदभाव होता है, लेकिन खासकर मैं शीतलावारी मंदिर में आपको बताना चाहूँगा क्योंकि मैं 20-25 साल से देख रहा हूँ जब से मैंने होश संभाला है। यहाँ किसी भी जाति धर्म किसी भी ऊंच नीच वर्ग लोगों को हम लोग सम्मान नहीं देते, ऐसा कोई नहीं। जो आप जैसे आते हैं, आप 2 रुपया देते हैं तो भी आपका वैल्यू 2 लाख है, 2 लाख देते हैं तो भी आपका वैल्यू 2 रुपया ही है। सारे समान है, सर हम लोग सारे लोगों को समान रखे हैं। और आज प्रातः संध्या शाम 4-5 बजे के बाद देखिएगा यहाँ विशाल भंडारा का आयोजन किया गया जिसमें भगवान के स्वरूप प्रसिद्ध प्रसाद खिचड़ी का वितरण होगा। इसमें हम बानाहाट वासी सभी को आमंत्रित करते हैं कि आप लोग आइए, इस खिचड़ी का मजा लीजिए। पूरे नॉर्थ बंगाल, मैं बाहर डुअर्स नहीं कहूँगा, पूरे नॉर्थ बंगाल के लोग यहाँ आते हैं क्योंकि शीतला मंदिर जो शीतला माँ जो जागृति माँ है सबको पता है, इसलिए प्राय जो भी बाहर के लोग आते हैं जो यहाँ से चले गए हैं, जो भी लोग हैं जो बानाहाट छोड़कर चले गए हैं वो लोग भी संपर्क करते हैं, पूजा करते हैं यहाँ पे। साल में एक शीतला मंदिर में एक कीर्तन होता है, उस कीर्तन में हम सारे लोगों को मिलते हैं पाते हैं। और डुअर्स का ये सबसे पुराना और सबसे प्राचीन और सबसे बड़ा मंदिर है।